प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ में संतोष पांडे, भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव क्षेत्र सांसद महोदय, वो जुड़ गए हैं। संतोष पांडे साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट बदल गए हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, अब मोहन मरकाम की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, आप कैसे देखते हैं इसे, बीजेपी कैसे देखती? पहले तो सांसद जी को, हमारे मित्र है, उनको बधाई, उन्हें बधाई देता हूँ, किंतु इससे कोई विशेष परिवर्तन परिस्थितियों में और कांग्रेस में जिस प्रकार से चल रहा है, ये तो ऐसा है कि बॉटल का रेपर बदल देने से कुछ नहीं होगा, ये तो ढांक के फिर वही तीन पात हैं। आज बस्तर की स्थिति कुछ बदल सकते हैं क्या? बस्तर से लेकर के सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है और जिस प्रकार से रवैया चल रहा है, ये क्या भ्रष्टाचार में कमी लाएंगे? तीन महीने में क्या क्या स्टेप उठाने वाले हैं, कोल में हो, शराब के ऊपर हो, या जो जन घोषणा पत्र जो इन्होंने जारी किया था, ये क्या तीन महीने में प्रदेश अध्यक्ष जी इसके लिए क्या दबाव डाल पाएंगे, किसको किसको पूरा करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव को त्रैमासिकी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, मैं ऐसे समय में बधाई ही दूंगा, किंतु ये कहूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोहन मरकाम जैसे व्यक्ति को बदल करके और जो बनाए हैं माननीय सांसद जी को, ये छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में, संगठन में, किसी भी प्रकार का और जो चल रहा है, ढर रहा है, ये सुधरने वाला नहीं है। चलिए, आपने शुभकामनाएं भी दे दी अपने मित्र को और ये भी कह दिया कि कोई परिवर्तन या कोई बड़ा फर्क ये ला पाएंगे ऐसा लगता नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर यही है कि सांसद दीपक बैज पीसीसी चीफ बना दिए गए, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया है, इनका निर्णय हो चुका है और इसके बाद में उम्मीद की जा रही कि शायद जल्दी से कार्यकारी अध्यक्षों की कोई सूची भी सामने आ सकती है।